क्रक शाल उदयपुर बखाक्सनी काकड़ा बोन आमचाईनी न कतर कामीव काश कतर मेगा जयनिंग पांडा संसार जाखा तीब्रा मथानी बखाकई ओ पांडाव हाबुबग्रा प्रदीप विक्रम किशोर मानिकनी यागबाय 555 नुखुंनी 1200 बुटार थानचानी लामाव फायक्या ओ मेगा जयनिंग पांडाव बुबग्रा न कारीब मानजाखा टीटी एडिसीनी चारिफांगा दंगकरा एबा सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया तई एम डी सी उमाशंकर देवबर्मान कारीब तीब्रा मथानी आदंग रोब मानजाखा विडियो रिपोर्ट चुमुई टीवी सबसे पहले वो एक कैमरामैन लाओ तो थोड़ा सा यहाँ में जनरल एरिया में इतना तीपरा सा लोग इतना लोग जमा हुआ है सब लोग बुजगांगो भाई दी बुजगांगो भाई दी एक कैमरा सब लोग एक हाउ इज द जोश सब लोग हाथ उठाओ अपना दिखाओ बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ दुबागरा भी बैठ जाता कहीं चलो बैठो 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 अचुकती अचुकती आंग पुईला नो नरक नो खुलुंग मास कांग्या फारो खुलुंग खा माननीय ब्लॉक प्रेसिडेंट माननीय वाईटीएफ प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ बुरुई बदल प्रेसिडेंट मेंबर्स सीएम पूर्णचंद्र जमातिया एमडीसी उमाशंकर देव वर्मा एक्स एम एल ए तिपरा मथा लीडर ऋषिकेतु देव वर्मा अमियोनवातिया राकेश रूपिनी यहाँ में जो भी है सब लोग जिसको मैं पहचानता भी नहीं हूँ यहाँ में आप लोग सब लोग जो है सबसे पहले चिबाई याफारो अभी टाइम कम है जरा कुरुई मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा यहाँ में बुबाग्रा आपको एक बात बोलने आया है ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब कहाँ हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब यहाँ में इतना सपोर्ट है बुकुंगबारा का मुसलमान का बंगालीज का ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब आइए ऊपर पीछे में रहने से कुछ नहीं होगा वो बुबाग्रा ने बोला था कि इस बार हम लोग लड़ेगा ना 20 सीट से बाहर भी लड़ेगा यहाँ में इतना बुकुंगबारा है मुसलमान है बंगालीज है आप लोग कैंडिडेट तैयार करो ना कैंडिडेट तैयार करना चाहिए कि नहीं जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन यहां से एक बार फाइट करके दिखाएगा हम लोग कैंडिडेट तैयार करो ब्लॉक से मीटिंग करके कैंडिडेट तैयार करो यहां में इतना आप लोगों का प्यार है जोश है ताकत है थानसा है एकता है देखो मैं एक बात क्लियर बोलना चाहता हूं बुबाग्रा कोई नेता नहीं है बुबाग्रा आपका अधिकार के लिए फाइट करने आए हैं बुबाग्रा चाहता है कि अपना हां में हानी पुसा को सम्मान मिले अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले और 70 साल से क्या होता था अंचुलिक पार्टी सिर्फ
20 सीट में बात करता था और 20 सीट में भी अलायंस करके कभी 8 सीट, कभी 10 सीट, कभी 12 सीट में फाइट करते। लेकिन इस बार तिपरा मथा सिर्फ 20 सीट में नहीं 35 सीट में फाइट करेगा और फाइट नहीं जीतेगा। सुरमा में सिर्फ 15 दिन के अंदर हम लोग कपास कैंडिडेट नहीं था, 15 दिन के अंदर हम लोग सेकंड पोजीशन में आया। आप देखना 2023 का इलेक्शन में इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेगा, इस बार हम लोग दिखाएगा। जो सरकार है उनके पास रंग है, पैसा है, उनके पास पुलिस है, प्रशासन है, हमारे पास क्या है? थानसा। उनके पास रंग है, पैसा है, लेकिन हिंदुस्तान में इतना पैसा नहीं प्रिंट हुआ कि बुबागरा को आपसे दूर करके खरीद के ले जा सके। यहां में जो मुसलमान है, मैं आपको एक बात बोला, कहा है हमारे मुसलमान भाई दोस्त? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान में आप सब जगह चले जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमने कभी भी मजहब का राजनीति नहीं किया। मैंने कभी नहीं देखा कौन क्रिश्चियन है, कौन बुद्धिस्ट है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। जो लोग आज बोलते हैं कि तिपरा मथा तो भालो पार्टी नहीं, ये तो कम्युनल पार्टी आछे, आज तक तिपरा मथा ने किसी का टीका देखकर राजनीति नहीं किया, किसी का दाढ़ी देख कर राजनीति नहीं किया। आज ये जो महाराजा त्रिपुरा का जो परिवार है, इसने मिशन कंपाउंड को जमीन दिया चर्च बनाने के लिए। यही महाराजा त्रिपुरा ने माता त्रिपुरा सुंदरी मां मंगल चंडी का रक्षा किया। यही महाराजा त्रिपुरा के परिवार ने बुद्ध मंदिर बनाया और यही मां महाराजा का परिवार ने मुसलमान के लिए आज से 400-500 साल पहले शूजा के लिए मस्जिद भी बनाया। हमने आज तक धर्म का राजनीति नहीं किया। जो लोग राजनीति करते हैं मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट बनाकर, वो असल में आपका माइंड को तोड़ना चाहते हैं। आज नौकरी के बारे ये लोग बात नहीं करेंगे, ये लोग हिंदू मुसलमान के बारे बात करेंगे। आज रास्ता में कॉन्ट्रैक्टर, वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम का टाइम पैसा खाकर एमएलए का संग मिक्स अंडरस्टैंडिंग कर आपका जमीन लेता था, आज वही कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी के राज्य में आज एक टाइम लाल सलाम बोलता था, आज भारत माता की जय बोलता है, वही कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बदला नहीं है। आज स्कूल में सीपीएम के टाइम टीचर नहीं था, आज बीजेपी के टाइम भी टीचर नहीं है, वही टीचर लोगों को आज स्कूल में कहीं में शिक्षा नहीं मिलता। आपको बोलता है बांग्ला मीडियम में शिक्षा प्राप्त करो, आपको बोलता है कि इंग्लिश मीडियम दरकार नहीं, लेकिन यही एमएलए यही मंत्री का बच्चा लोग होली क्रॉस डॉन बॉस्को में पढ़ता है, लेकिन बुकुंगबारा का बच्चा लोगों को बोलता है नहीं। क्या हो रहा है यहाँ में? अगर आपको उन्नति चाहिए तो तिपरा साखो क्या दिया जाएगा? बकरी, मुर्गी, सुअर पालो। और अगर तला में कंप्यूटर लैपटॉप दिया जाता है तो ये सबका साथ सबका विकास है? नहीं है। 70 साल से आपको जमतिया, देव वर्मा, नुआतिया, कलोई, ये सब बनाकर, रियांग, ये सब करके आपका थानसा को तोड़ा, हिंदू मुसलमान करके आपका एकता को तोड़ा, हिंदू बंगाली, बंगाली मुसलमान को बोल के आपका एकता को तोड़ा। क्या मिला त्रिपुरा को? क्या मिला? आज अगर बारिश आता है, अगर बारिश आता तो 5-5 दिन तक आपका घर में बिजली नहीं आता है। अगर आज आपको नौकरी चाहिए तो आपको बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाना पड़ता है, त्रिपुरा में नौकरी नहीं है। इलेक्शन के पहले ये लोग बोलता है रहेगा 340 टका, बेकार बाटा होवे, मिस कॉल करो, फोन हो, जॉब चाकरी पावा जावे। क्या मिला? बुबागरा ये बात नहीं बोल रहा है, बुबागरा बोल रहा है कि इस बार हमको अपना ग्रेटर तिपरा लैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए हमको फाइट करना पड़ेगा। ये फाइट
किसी के खिलाफ नहीं है, कोई बंगाली के खिलाफ नहीं है, कोई मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू किसी के खिलाफ नहीं है। ये फाइट अपना अधिकार के लिए। आज से थोड़े दिन पहले सब लोग ने मुझसे पूछा, क्या है ये ग्रेटर तिप्पा लैंड, आप बंगाली के खिलाफ क्यों हैं? मैंने बोला, भैया मैं बंगाली के खिलाफ नहीं हूं, मैं तिप्रा शाह को अधिकार देना चाहता हूं संविधान के अंदर। मैंने कभी नहीं बोला कि बंगाली का अधिकार लेके तिप्रा शाह को दो। मैंने बोला जो बंगाली के पास है और भी मिलना चाहिए बंगाली को, और मिलना चाहिए मुसलमान को, लेकिन तिप्रा शाह का दिल में एक बात है, क्या है? ये दिल मांगे मोर, हाँ कि नहीं? और हम किसी से छीन रहे नहीं है, तिप्रा शाह ने सिर्फ दिया है, हमने अपना जमीन दिया, हमने अपना घर दिया, हमने अगरतला दे दिया। आज हम लोग अपना अधिकार के लिए, अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ में वृक्ष केतु है, यहाँ में हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट है पूर्ण चंद्र जमतिया है। हम आपको एक बात बोल रहे हैं, 2023 में हम लोगों का पावर आया ना, आप लोग अब से SDM ऑफिस जाओ और अपना जमीन का पट्टा के लिए अप्लाई करो। 2023 में पावर में आने के बाद हर तिप्रा शाह को पट्टा दिया जाएगा। आज रबर बगान आपका है लेकिन आपके पास पट्टा नहीं है, आज घर है लेकिन पट्टा के लिए आपको जाना पड़ता है, आज आप हानि बसा है, आपको आपका अधिकार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस बार आपको एक होना है, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, YTF, TWF, बुरोई बदल, बुमा बदल, आप लोग यहाँ में, ये SC सीट है, कोई परवाह नहीं, आप कैंडिडेट को ढूंढो। तिप्रा मोथा कम्युनल पार्टी नहीं है, तिप्रा मोथा हिंदुस्तानी को सुरमा में चांस दिया, तिप्रा मोथा मुसलमान को चांस दे रहा है, तिप्रा मोथा बंगाली SC को भी चांस देगा। तिप्रा मोथा किसी के खिलाफ नहीं है। आप कैंडिडेट तैयार करो और इस बार 70 साल से कांग्रेस, CPM, BJP को आपने चांस दिया है, इस बार कभी ना कभी अपना खुद के ऊपर विश्वास करो, अपना पार्टी लोकल पार्टी को भी चांस दो। अगर आपने चांस दिया तो परिवर्तन होगा, वरना हमेशा राहुल गांधी का सपना, मोदी का सपना, सीताराम येचुरी का सपना, अरे हमारा त्रिपुरा का, तिप्रा शाह का क्या सपना है, ये तो कभी पूछो। इस बार 12 तारीख को मैं देखना चाहता हूं कि यहां से कितना लोग आएगा। यहां से 5 VC है ना, लेकिन 5 VC से बाहर भी हमारा मुसलमान भाई दोस्त है, बंगालीज है। आप अस्तबल में शांति से, दंगा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। तिप्रा शाह, तिप्रा जग आएगा अस्तबल में शांति से, 1 लाख तिप्रा शाह, 1 लाख त्रिपुरा के लोगों को। और जो लोग बोलता है आमी तो नेशनल पार्टी, उन्हीं तो आंचलिक पार्टी, चिकन पार्टी, चिकन पार्टी का पावर देखना है ना, 12 तारीख को आकर अगरतला के बीच में हम अपना स्टेटमेंट देंगे। लेकिन थानसा होंगी, थानसा रहेगा तो तिप्रसा रहेगा, थानसा नहीं रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। यहां मैं अपने मुसलमान भाई को मैं बोलना चाहता हूं, आज आप भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में दंगा हो, क्योंकि अगर दंगा होगा ना तो कोई रास्ते के बारे बात नहीं करेगा, कोई नौकरी के बारे बात नहीं करेगा, कोई डेवलपमेंट के बारे बात नहीं करेगा। ये तो चाहते हैं कि असली मुद्दे में कोई बात नहीं करे, क्योंकि अगर असली मुद्दा में किसी ने बात किया तो 2 मिनट में ये सरकार हट जाएगा। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप भी अपना माइंड मेकअप करो। जब CA हुआ मानिक सरकार कहाँ था? चुप बैठा रहा। जब पानी सागर में मस्जिद को तोड़ा गया मानिक सरकार कहाँ था? चुप था। मैं अकेला आपके साथ खड़ा रहा, मैंने आपका वोट के लिए पॉलिटिक्स नहीं किया, मैंने आपका वोट के लिए पॉलिटिक्स नहीं किया। मैं जानता हूँ हिंदुस्तान
हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई सबके लिए बना है, कोई एक धर्म के लिए नहीं बना है। और मैं हिंदू होकर आपका रक्षा करने के लिए बात कर सकता हूँ। ये फर्क है राजा और नेता में। वो नेता आपका वोट लेकर, आपका वोट लेकर आपको बेचता है, 70 साल से आपको बेचा है। मुझे न एमएलए बनना है, न मंत्री बनना है, न एमपी बनना है। मैं सिर्फ अपने 13 लाख तिपरासा को अधिकार देना चाहता हूँ। अगर गुनाह किया है तो गला काटो, अगर गुनाह नहीं किया है तो हमारा अधिकार इस बार 2023 में देके रहो। और अलायंस नहीं होगा, अलायंस नहीं होगा। अगर आप पैसा देकर अलायंस करना चाहते हो, अगर रंग देके अलायंस करना चाहते हो तो रंग दो। हिंदुस्तान में इतना पैसा का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो बुबाग्रा को तिपरासा से दूर कर सके। आप लोग रेडी है कि नहीं? हमको सुनाई नहीं पड़ता। रेडी है कि नहीं? ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, आप रेडी है तो कैंडिडेट ढूंढो। सिर्फ 2 महीना बाकी है, 2 महीना थमसा रखो, 2 महीना थमसा रखो। 2023 में विजय मिशिल में मैं यहां आऊंगा। तो लास्ट मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बेलाई बेलाई नो हम भाई, जनरल एरिया है तभी भी एसडीपीओ ने आपको चांस नहीं दिया, तभी भी आपने यहाँ में प्रोग्राम किया। बेलाई नो हम भाई, मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। 12 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा? हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाँ, दिखाना है, ठीक है। कोई हमसे पूछता है, अरे तिपरासा कतो केनो एतो डिमांड करे, क्या बोलेगा? ये दिल मांगे मौत। केनो तिपरा लैंड डिमांड करे? ये दिल मांगे मौत। हाँ, क्योंकि 70 साल से तिपरासा ने सिर्फ दिया है, अब तिपरासा लेगा। और आपको मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, आप लोग एसडीएम के पास जाकर पट्टा के लिए डिमांड एप्लीकेशन डाल दो, पट्टा का एप्लीकेशन डालो, हर तिपरासा पट्टा का एप्लीकेशन डालो। एडीसी अलॉटमेंट पावर है, और अगर 2023 में हम लोग का पावर आया, हर तिपरासा को पट्टा का घर देके, पट्टा देकर हम आपको अपना अधिकार देगा। वंस अगेन टाइम कम है, सबको घर जाना है, लेकिन मैं आपको एक बात लास्ट में बोलना चाहता हूं, आई लव यू। ये मैं जो कर रहा हूं ना, अपने लिए नहीं कर रहा हूं। आराम से न्यूयॉर्क में या शिलोंग में या दिल्ली में, बॉम्बे में, लंदन में मैं रह सकता था। आज जो मैं फाइट कर रहा हूं ना, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। मरने से पहले तिपरासा को कुछ देना चाहता हूं। ये लाइट बंद हो जाता है, सुनो 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 सुनो, मोबाइल ऑन करो। ये बीजेपी को भी बोलना पड़ेगा, करे सुनो 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 सुनो, करंट काटने से पावर में तिपरा मोथा को आने से कोई नहीं रोक सकता। वो बाद में मारूंगा, लेकिन आई लव यू। और मैं आपको, आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आपका थानसा चाहिए, आपका थानसा चाहिए। और मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं, इस बार तिपरासा को मरने से पहले कुछ ना कुछ तो देके जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो देके जाऊंगा। सब लोग खड़ा हो जाओ। मोबाइल ऑन, मोबाइल ऑन, मोबाइल ऑन, मोबाइल ऑन, सब लोग मोबाइल ऑन करो। टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट, मीडिया को भी आने बोलो। टॉर्च लाइट ऑन करो, टॉर्च लाइट ऑन करो। Wow.
मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ क्या पावर है, यहाँ से यहाँ क्या पावर है, ठीक है? पहले यहाँ चीनी हा, थोड़ा सा ज्यादा और चीनी हा, अब यहाँ से यहाँ चीनी हा, थोड़ा ज्यादा है चीनी हा, अब आपको कंपीट करना पड़ेगा चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा, अब सब लोग एक होके बंगाली हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अगर आपको चीनी हा चीनी नाइकॉल फांग चाहिए तो मेरे संग एक आवाज में बोलो चीनी हा, चीनी शासन, चीनी हा, चीनी शासन, तिपरासा, 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 बेलाई बेलाई नो हम भाई खुलुंग खा हर कहां बेलाई बेलाई।